सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। कल भी आपने देखा बसई गांव से गिलोट गांव से सर्वे हमारा, और आज हम पहुंचे हैं सिरयाणी गांव में जिला पार्षद चुनाव में सर्वे करने। अब देखना है यहां के लोगों का किसकी तरफ रुझान है किसकी तरफ नहीं है। वहां पर जो कल आपने देखा कि कांग्रेस का जहाँ तक सुपड़ा साफ होता नज़र आ रहा था, लेकिन आज का देखना है कि सिरयाणी गांव और इससे अगला गांव होगा गूगल कोटा। देखिए रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं सिरयाणी गांव में। कल आपने देखा बसई गांव से घिलोट गांव से, तो अब वार्ड नंबर 2 के सिरयाणी में हैं। तो यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसको ये मतदान करने जा रहे हैं, कांग्रेस को या निर्दलीय को। किसको बताओ जी, किसको वोट दे रहे हो? जिला पार्षद में निर्दलीय को। नाम बता दो ना। नाम वेद प्रकाश खबरी। आप सिरयाणी गांव से एक ही नाम एक ही चेहरा जिला पार्षद हो खबरी हमारा को निर्दलीय को उसे बाबों से जिताना है सिरयाणी गांव से। कभी देते ही नहीं कांग्रेस को, कांग्रेस को निर्दलीय को हमेशा कांग्रेस में। कांग्रेस ने क्या किया है, कुछ किया क्या नहीं किया, जितने कौन कर रहा है आगे कांग्रेस की। अभी काफी लोगों ने बताया कि किसान आंदोलन कर रहा है, इसकी वजह से रोड भी टूट गए हैं। बिल्कुल टूट गए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी ने करवा रखा है रोड जाम। ये कहाँ का, ये किस कहाँ लिखा है? अभी कल मिला था मेरे को वो गिलोट गांव में। आप सही बात है, रोड जाम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये तो एजेंडा है उनका, ये उनको बचाते रहे हैं किसानों के नाम भड़काते रहे हैं। किसान नाम का कोई नहीं है इनमें, किसान इनमें किसान नहीं है जी कोई भी। ये सब कांग्रेस की रची हुई साजिश है, उसके तहत जाम करवा रखे हैं सभी। अगर ऐसा हमारे रोडों की हालात देखिए आप, आपके गांव के देखिए रास्ते कैसे हो गए, एक्सीडेंट हो रहे हैं दुनिया भर के। कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से सुनवाई है न और किसी आम नेताओं की तरफ से सुनवाई है, किसी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। आप देखो रोडों की हालत, रोडों की हालत तो ज़्यादा खराब हो रही है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोडों की हालत ज़्यादा खराब हो रही है। आम आदमी परेशान है। आप रोड पर हाईवे पर जाके देखिए, दो दो घंटों की लाइन लगी रहती है, एम्बुलेंसें खड़ी रहती है, सेना के वाहन खड़े रहती है, वो महिलाएं परेशान बच्चा है, कोई सुनवाई नहीं है, वो तो बदमाश बैठे हो। आपने देखा है एम्बुलेंस को? मैंने देखा है, तभी तो मैं आपको प्रत्यक्षदर्शी हूँ, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ये चीजें। वोट तो हमारा पड़ोसी है, उसको देंगे उससे। हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सारी बात है, लेकिन पार्टी के अंदर भाई वेद प्रकाश के साथ धोखा हुआ और पार्टी ने सिंबल जगदीश मास्टर जी को दे दिया, लाइजन के कारण दे दिया जी एमएलए साहब की। वो सांसद साहब चाह रहे थे कि भाई इसको खबरी को मिले, पार्टी से जुड़ा हुआ था। कोरोना काल में भी किसानों के जो किसानों ने जाम लगा रखा है हाईवे पे, उसके विरोध में भी भाई ने काफ़ी प्रदर्शन किए, अच्छा वर्चस्व रखा, क्षेत्र से लोगों को इकट्ठा करके वहाँ भेज इकट्ठा की, लेकिन राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया इस विरोध के प्रति, कोई एक्शन नहीं राज्य सरकार का। ये सारी कांग्रेस की रची हुई साजिश है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है? बीजेपी कैंडिडेट नहीं, तो हमारा स्वतंत्र कैंडिडेट है ना निर्दलीय, हम उसको वोट करेंगे। वो स्वतंत्र है, वो पार्टी में थी कांग्रेस में जाए थी बीजेपी में जाए, वो उसका है मत, हमारा काम है देना। कांग्रेस पार्टी हाँ जी, हम आज अब पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 2 के गूगल कोटा गांव में। यहां पर कुछ ग्रामीण बैठे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिला पार्षद चुनाव में किसको मतदान करने जा रहे हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी है कांग्रेस से, तो आप वोट किसको देना चाहेंगे? खबरी को। किसको दोगे? खबरी निर्दलीय। जिला पार्षद का चुनाव चल रहा है, वोट किसको देना चाहेंगे? खबरी को देंगे सर हम तो। खबरी को क्यों दोगे? कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है। कांग्रेस को नहीं देंगे, कांग्रेस ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, इधर रोड जाम है, इधर आए फिर एक्सीडेंट होते रहते हैं, वैसे भी कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है। कोई काम नहीं कर रही है कांग्रेस,
बताओ मैं आप किसको वोट कर? वेद प्रकाश खबरी को। वेद प्रकाश खबरी को क्यों? क्योंकि वो बच्चों के बीच में हमेशा रहते हैं, ग्राउंड में भी हमेशा बीच में बच्चों के रहते हैं, खेल कूद में, ब्याह शादियों में या कोई भी दुख तकलीफ में बच्चों के बीच में रहते हैं, सभी के बीच में। कांग्रेस का प्रति आप किसको मतदान करना चाहेंगे जिला पार्षद में? वेद प्रकाश खबरी को करेंगे, स्वाभाविक बात है। वेद प्रकाश खबरी को क्यों? हमारा मित्र लगा लो या एक कर्मठ जुझारू व्यक्ति लगा लो, मतलब एक अच्छी साफ छवि का व्यक्ति है वो आज के दिन। और उसकी टिकट भाजपा ने काटी है, वो इसलिए काटी है भाजपा कैंडिडेटों को। अब भाजपा का तो प्रत्याशी ही नहीं है, मतलब फॉरम ही रिजेक्ट हो गया, वो सिस्टम ही खत्म हो जाता है। तो भाजपा की बेइज्जती होती भाई साहब, कोई वोट ना दे तो बताओ कौन दे दो। और रही कांग्रेस की, कांग्रेस को तो वैसे भी लाइक करते ही नहीं है, गाँव से वैसे ही खाली पेटी जाए। क्यों नहीं करते? बस अब देख लो क्यों ना करा, दस दस महीना दूर हो गया रोड को, दस महीना तो यहाँ हो गया नू ना करा। हम तो 10 महीना से खंडोड़ा और काकर को तीन मास घूम के फिर मोहनपुर खात लेने जा रहे हैं। बीमार भी पड़ रहा है सब कांग्रेस सरकार की वजह से। तो क्या कर रखा है ऐसा कांग्रेस सरकार ने, ये बताओ ना। कांग्रेस सरकार ने प्योर गुंडागर्दी कर रखी है यहाँ। किस तरीके की गुंडागर्दी? जैसे कि भाई ये नीम किसान आंदोलन, ये रोड बंद कर रखा, 70 फॉर्म रिजेक्ट करवाए कांग्रेस सरकार ने, करवाए कांग्रेस सरकार ने करवाए बिल्कुल, उनकी स्पष्ट गुंडागर्दी थी। ये बता जा रहा है कि फॉर्मों में कुछ कमियां थी इस वजह से रिजेक्ट हुए। क्या कमी थी बताओ? किसी के नाम में, किसी के गवाह में, तो इस तरीके से कुछ? ये छोटी छोटी मोटी स्वाभाविक बात है, इतनी इतना बड़ा पर्चे में अगर इतनी सी गलती हो जाए तो कोई 19-20 तो मेरे हिसाब से गलती मानी ना। तो आपका कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल करवाया, उनको पता था ये निर्दलीय कैंडिडेट भारी पड़ रहे हैं हमारे कैंडिडेटों से, तो इस वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। मेरा भी, मेरा खुद का शोम हुआ है। जिला पार्षद चुनाव के लिए भी खड़े थे, उनका फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो गया बीजेपी वालों का? बीजेपी को पता था इस चुनाव में हमारी बेइज्जती होगी और वेद प्रकाश खबरी बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो वेद प्रकाश खबरी की वजह से बीजेपी ने उसका। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि जगदीश मास्टर जी को भी अनुमान लग गया था कि यहाँ से मेरी पार पड़ने वाली है नहीं, तो फॉर्म रिजेक्ट लगा लो या क्या पता आपस में खींच लिया, हमें तो रिजेक्ट का पता है। निर्दलीय वेद प्रकाश खबरी को। वेद प्रकाश खबरी को क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराना दिग्गज नेता है बीजेपी का और एक समाज सेविक भी है, इस क्षेत्र का सबसे बढ़िया लड़का, नवी को लड़का है, आने वाले समय में बहुत लंबा समय देगा वो सर्विस का बीजेपी के लिए। मंजीत चौधरी को इसलिए उसी की जरूरत बहुत जरूरी है, बीजेपी का लड़का है, नवी का लड़का है। आप किसको हमें जग भी जाते हैं रोड पर हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, आपके हर दुख सुख में काम आता है।